जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना लेकर उस महान प्रभु को धन्यवाद देंगे। आप सभी जन पूरे दिल से इन गानों में भाग लीजिए। गीत क्रमांक 21 गाते हैं बजाते हैं, गीत क्रमांक 21 गाते हैं बजाते हैं। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते यारो, यीशु को तुम अपनाओ। हमारे साथ तुम भी गाओ। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। गीत क्रमांक 11 क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन, गीत क्रमांक 11 क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन। क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन, ईश्वर संतान को आनंददायक है। क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन, ईश्वर संतान को आनंददायक है। कष्टों के बीच में, नष्टों के बीच में, प्रभु यीशु क्रिस्त ही हमारा साथी है। कष्टों के बीच में, नष्टों के बीच में, प्रभु यीशु क्रिस्त ही हमारा साथी है। दुनिया की मदद सब दूर हो जाने पर, लोगों की सहायता साथ छोड़ देने पर, दुनिया की मदद सब दूर हो जाने पर, साथ छोड़ देने पर, अपने भाई इनकार करते वक्त
जोसे का ईश्वर हमारा साथी है। अपने भाई इनकार करते वक्त जोसे का ईश्वर हमारा साथी है। इस दुनिया में अंधकार फैलने पर राजा और नेता सब बैरी बन जाने पर, इस दुनिया में अंधकार फैलने पर राजा और नेता सब बैरी बन जाने पर, सिंहों के बीच में अग्नि के कुंड में दानियल का ईश्वर हमारा साथी है। सिंहों के बीच में अग्नि के कुंड में दानियल का ईश्वर हमारा साथी है। क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है। क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है। ईश्वर संतान को आनंददायक है। ईश्वर संतान को आनंददायक है। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 23 पिता तेरी वंदना। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते 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 हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 100 तेरे साथ रहना। गीत क्रमांक 100 तेरे साथ रहना। तेरे साथ रहना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ रहना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ रहूं तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ रहना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ जुड़ना है प्रभु ये दिल मेरा तड़पे,
तेरे साथ जुड़ना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे तेरे साथ जुड़ू, तेरे साथ पलू, तेरे साथ जुड़ू, तेरे साथ पलू, तेरे साथ जुड़ना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे तेरे साथ जुड़ना है प्रभु, दिल मेरा तड़पे तेरा दास बनना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे तेरा दास बनना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे तेरा दास बनू, तेरा काम करूं, तेरा दास बनू, तेरा काम करूं, तेरा दास बनना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे तेरा दास बनना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे तेरी बात सुनो तुझे ना कहूँ, तेरी बात सुनो तुझे ना कहूँ, तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे तेरी बात सुननी है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे तेरे साथ रहना है प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे, ये दिल मेरा तड़पे, ये दिल मेरा तड़पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 105, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा। गीत क्रमांक 105, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे वचनों में जीवन संदेश है, तेरे वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे वचनों में आशा का दीप है, तेरे वचनों में आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में शांति संदेश है, तेरे ही वचनों में शांति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे
तेरे वचनों में चलता रहूंगा, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया। गीत क्रमांक 19 होसाना होसाना होसाना। गीत क्रमांक 19 होसाना होसाना होसाना। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, यीशु राजा है, यीशु राजा है, राजा है राजा है यीशु राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, राजा है राजा है यीशु राजा है, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, जीवित है जीवित है यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, जीवित है जीवित है यीशु जीवित है, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, यीशु मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, मुक्ति है मुक्ति है यीशु मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, यीशु मुक्ति है, मुक्ति है मुक्ति है यीशु मुक्ति है, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, यीशु शांति है, यीशु शांति है, शांति है शांति है यीशु शांति है, यीशु शांति है, यीशु शांति है, शांति है शांति है यीशु शांति है, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 69
यीशु के पीछे, क्रमांक 69 यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, क्रूस मेरे सामने दुनिया है पीछे, क्रूस मेरे सामने दुनिया है पीछे, क्रूस मेरे सामने दुनिया है पीछे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा, कोई मेरे संग आए ना आए, कोई मेरे संग आए ना आए, कोई मेरे संग आए ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा चमागे मिसालू लागे, यीशु चमागे मिसालू लागे, यीशु चमागे मिसालू लागे, ना फिरनार ना फिरनार ना फिरनार ना फिरनार, क्रूस माझा पुढ़ी ना फिरनार ना फिरनार ना फिरनार ना फिरनार, कोणी माझा संगे ये वो ना ये वो, कोणी माझा संगे ये वो ना ये वो, कोणी माझा संगे ये वो ना ये वो, ना फिरनार ना फिरनार ना फिरनार ना फिरनार ना फिरनार ना फिरनार ना फिरनार, हालेलुया 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 हालेलुया, गीत क्रमांक 6 सुंदर सुहानी जिंदगी, गीत क्रमांक 6 सुंदर सुहानी जिंदगी, सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी, सुंदर सुहानी जिंदगी अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी, आ आसमां ये जमीं तूने बनाया है, रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है, आसमां ये जमीन तूने बनाया है, रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है, प्रभु तव गुण गाते प्रभु तव गुण गाते प्रभु तव गुण गाते, सुंदर सुहानी जिंदगी
दी अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी को तेरे ही हाथों ने रूप दिया है। प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते। सुंदर सुहारी जिंदगी तूने मुझको दी अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी हालेलुया। और अभी हम उस महान प्रभु को नाच गा कर धन्यवाद देंगे। सभी जन खड़े हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। सभी जन जोर से बोलिए हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। 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 विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा। विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा। विजयी हुआ शैतान हरा हुआ मेरा यीशु। विजयी हुआ शैतान हरा हुआ मेरा यीशु। विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा। विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा। विजयी हुआ शैतान हरा हुआ मेरा यीशु। विजयी हुआ शैतान हरा हुआ मेरा यीशु। विजयी हुआ यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा। विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा। विजयी हुआ शैतान हरा हुआ मेरा यीशु। विजयी हुआ शैतान।
शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु 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 विजयी हुआ। मेरा यीशु विजयी हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासी लोगो हिम्मत न हारो, विश्वासी लोगो निराश नहीं हो। विश्वासी लोगो हिम्मत न हारो, विश्वासी लोगो निराश नहीं हो। विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वासी लोगो हिम्मत न हारो, विश्वासी लोगो निराश नहीं हो। विश्वासी लोगो हिम्मत न हारो, विश्वासी लोगो निराश नहीं हो। विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा। पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा। पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग अपनी जगह पर खड़े ही रहिए। अभी हम उस महान जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हैं, इसलिए स्तुति आराधना में पूरे दिल से नाचते हुए गाते हुए तालियां बजाते हुए भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय अपना पूरा ध्यान एकाग्र करके, एक चित हो करके उस महान परमेश्वर की ओर लगाइए, क्योंकि उसने आज हम सब के ऊपर फिर से एक बार अनुग्रह किया है। उसकी बहुत बड़ी दया हुई है। आज यहाँ पर मौजूद हैं आप, या कहीं दुनिया में किसी कोने में कोने पर हैं, परमेश्वर आत्मा के रूप में हर जगह पर आपके पास है। वो अद्भुत परमेश्वर जिसने आज हमारी आंखें खोली, जिसने आज हमें अंधकार से बाहर निकाला, उसके राज्य में लाया, आज का ये दिन दिया, आज का ये पल दिया, सुनहरे पल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इकट्ठा हुए हैं अपनी इच्छा अपनी मर्जी से नहीं। आज परमेश्वर ने आज हमको आपको जो इकट्ठा किया है सिर्फ एक नाम से, जो सब नामों में ऊंचा नाम है, जिस नाम के द्वारा आज हमारा उद्धार हुआ है, जिस नाम से हमें छुटकारा मिला है। और अगर आज पहली बार आए हैं परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास, तो आज आपके जीवन का उद्धार और छुटकारा होने जा रहा है, क्योंकि वो नाम कोई और नाम नहीं, सिर्फ यीशु नाम है। उस यीशु नाम के द्वारा आज हमें स्वर्ग की शांति और आनंद मिला है। हम उस नाम को आज हम ऊंचा फिर से उठाएंगे। आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। हाँ पूजनीय रक्षा नाम लेते हैं हम चरणों में, सिर झुका कर नमन करे आत्मनाथा हम। तुम में मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिन वास करे। आराधना हो तेरी, आराधना हो,
आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। आ पूजनिया रक्षा नाम लेते हैं हम चरणों में, सिर झुका कर नमन करे आत्मनाथा हम, तुम में मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिन वास करे। यीशु जी हम अपने को तेरे पूज्य हाथों में देते हैं, सारे पाप हमारा दूर कर दे, दुख भार सबको उठा दे तू। आत्मा में तुम आते ही क्षण आंसू बदल गए आनंद में, आत्मा में तुम आते ही क्षण आंसू बदल गए आनंद में। आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। आ पूजनिया रक्षा नाम लेते हैं हम चरणों में, सिर झुका कर नमन करे आत्मनाथा हम, तुम्हें मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिन वास करे। पूजा बाली बन कर हम तुम्हें लीन होना चाहते हैं, सारा जीवन मेरा समर्पित है, अपना प्रियतम बना लो मुझे। सर्वस्व अधिकार भी तू ही है मेरे जीवन में, सर्वस्व अधिकार भी तू ही है मेरे जीवन में। आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। हाँ पूजनिया रक्षा नाम लेते हैं हम चरणों में, सिर झुका कर नमन करे आत्मनाथा हम, तुम्हें मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिन वास करे। आत्मनाथा हम तुम्हें मिल जाए मेरे दिल में तू हर दिन वास करे, मेरे दिल में तू हर दिन वास करे, मेरे दिल में तू हर दिन वास करे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर को जिसने आज हम सबके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। वो हमारे दिल में हमेशा रहता है, वो अपने राज्य में हमें लाया है, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए। उसने हमारे ज़रूरत को पूरा किया, हम जब जन्म नहीं लिए थे तब से उसके पहले ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने योजना बनाई और मुँह से शब्द से बोला और पूरी दुनिया पूरी कायनात अस्तित्व में आ गई। देखिए उसका अनोखा प्यार, आसमान को बनाया, आसमान में सूरज चांद सितारों को बनाया जिसमें अनेक प्रकार की रोशनी है, और इस धरती को बनाया जिसके ऊपर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे फलदार वृक्ष को उगाया, अनेक प्रकार के उसमें स्वाद दिया है, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, अनेक प्रकार के जीव जंतु प्राणी को बनाया। उसने समुद्र नदियों को बनाया है और नदियों के और समुद्रों में अनेक प्रकार की मछलियाँ, अनेक प्रकार की जीव जंतु को बनाया, अनेक प्रकार की प्राणी को बनाया। किस तरीके से बनाया है वो सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों धन्यवाद दीजिए। जब हमें भूख लगती है तो धरती से अनाज उगा कर देता है, जब हमें प्यास लगती है तो आसमान से हमें वो पानी देता है, और हमें जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा बना कर दिया है। वो परमेश्वर कितना महान है, वो परमेश्वर कितना शक्तिमान है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। उसको धन्यवाद दीजिए, प्रभु तेरा धन्यवाद। वो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो हमारा परमेश्वर मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर बंद रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर हमारे विपत्ति को नष्ट करने वाला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर जो हमारे ऊपर दुख और विपत्ति संकट क्लेश है उसे बाहर निकालने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर।
कर है। हम एक तनाव जीवन को बिताते समय वो हमारे साथ हमारे हमदर्द होकर आत्मा के रूप में हमें ताकत देने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है। वो हमारे दुखों से निजात देने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए, उसके नाम की महिमा कीजिए, उसके नाम को ऊंचा उठाइए, तालियां बजाते हुए धन्यवाद दीजिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, हो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, हो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद दीजिए। उसने हमें अच्छा परिवार दिया, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छा नात रिश्तेदार दिए, अच्छा पड़ोसी दिया। उस परमेश्वर को धन्यवाद दो कि अच्छा रोजी रोजगार दिया, अच्छा व्यवसाय दिया और हमें हर तरह से संतुष्ट किया है। हम अकेला अनाथ, हमारा जीवन नहीं है ये मत सोचिए। अगर इस धरती पर रहने वाले, जीवन देने वाले, जन्म देने वाले माँ बाप नहीं हैं, भाई बहन नहीं हैं, आप अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आज याद रखें कि आपको जन्म देने वाला, जो माँ के गर्भ में तैयार करने वाला, वह परमेश्वर आज आपके साथ है। दुनिया एक बार साथ छोड़ सकती है, हमारा वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ सकता और कभी नहीं त्याग सकता है। वो कहता है कि एक माँ दूध पीते बच्चे को तो त्याग सकती है। ऐसा हो सकता है एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को त्याग सकती है, परंतु मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, क्योंकि तेरी तस्वीर को अपने हथेली पर खोद कर बनाई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर को। वो सदैव हमारे साथ रहता है, हमारे जीवन को आशीषित करता है। हम जब अंधकार में भटके हुए थे तो उसने हम पर अनुग्रह और दया किया, उसने हम पर ऐसी दया किया, अंधकार से निकाला, अपने राज्य में लाया और
हमारे जीवन को आशीषित किया, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए। उसने हम पर बड़ा अनुग्रह किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आप नहीं थे, कैसा जीवन था, ठोकर से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब अपने पास बुला लिया, जब उसके राज्य में हम आए, तक कैसा अद्भुत ज्ञान दिया, कैसे अद्भुत तरीके से हमें वो समझ दिया, ये दुनिया किसके लिए बनाई है, ये परिवार किसके लिए है और हम किसके लिए हैं, एक क्या समझ और कैसा अद्भुत ज्ञान दिया। इस ज्ञान के लिए एक बार तालियां बजाकर धन्यवाद दो प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखने में आता है, सुनने में भी आता है, एक सगे अपने पराये हो सकते हैं, परंतु वो परमेश्वर कभी नहीं हमसे जुदा होता है, वो सदैव हमारे साथ रहता है, अपना कर रखता है। याद रखिए कि जब आप निराश होते हैं, याद रखिए कि जब आप मायूस हो जाते हैं, जब शैतान हमारे रास्ता बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, एक ही आवाज आता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तेरे हाथों के थामे रहूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा, मदद करूँगा, तेरी रक्षा करूँगा, हिफाजत करूँगा। आवाज़ देकर परमेश्वर हमारा नाम लेकर के पुकारता है, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, तू हमारे दिल का राजा है, तू हमारे जीवन का मालिक है, तू हमें अमर्याद प्यार करता है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, चाहे बाबा मुझको भूल जाए, चाहे बाबा मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना पूरा ध्यान उस महान परमेश्वर की ओर लगाइए, देखिए उसका कैसा अनोखा प्यार मनुष्य से उसने किया। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ और कोई बीमारी नहीं, स्वर्गीय सुख, स्वर्गीय आनंद उसके जीवन में था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर के साथ बातें करता था, हर पल आनंद ही आनंद था। लेकिन उसने परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ गया, अंधकार की ताकत उसके ऊपर प्रबल हुई, गलती किया उसने, और आज के दिन तक इंसान ठोकर खा रहा है। उसने दुख उठाया, क्यों? क्योंकि पाप किया उसने, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ गया, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत चला। हासिल क्या किया उसने? दुख, दर्द, बीमारी, क्लेश, तनाव, चिंता, भारी बोझ लेकर के चलता गया, नाश होने के कगार पर खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, नाश होने शुरू हो गया इंसान, त्राही त्राही करके चिल्लाने लगा, वो फिर भी
वो दया का धनी परमेश्वर उसकी कराहना को अनसुना करके उसके पास उसे बचाने के लिए प्रभु यीशु को भेजा, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, इसलिए कि मानव जाति ने पाप किया, गुनाह किया और गुनाह के कारण परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ। इस वजह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इंसान बच जाए। देखिए उसके दुख को याद कीजिए, एक बार उसके क्रूस के पास आ जाइए, कितना दर्द कष्ट कितनी पीड़ा वो किसका था, हमारे जीवन का, आपके जीवन का, पूरे मानव जाति के सारे पाप और अधर्म थे, पाप हमने किया, गुनाह उसने, उसकी सजा उसने उठाई। बहते हुए लहू की धाराओं को देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आत्मिक आंखें खोलकर उस महान प्रभु की ओर देखिए, उसे निहारिए, कैसा दर्द कैसी वेदना हमारे शरीर में इतना सा खरोंच आता है या कांटा पैर में चुभता है, हमारा जान छटपटा जाता है, लेकिन उस प्रभु यीशु के ऊपर कितने जख्म, कितने कोड़ों की मार, कितना अपमान, कितना लहू, सर से लेके पैर के नाखून तक वो हमारे लिए घायल हुआ, हमारे लिए हर एक कष्ट को उठाया, पाप पूरे शरीर से हमने किए, मानव जाति ने किया, और दर्द प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, हमारे लिए अपमानित हुआ, हमारे लिए निह वस्त्र किया गया, हमारे लिए कांटों का ताज पहनाया गया, हमारे लिए 39 चाबुक के कोड़े मारे गए, सर से लेके पैर के नाखून तक लहू की धाराएं बह रही थी। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने दर्द को याद कीजिए कि हमारा दर्द थोड़ा सा, लेकिन परमेश्वर हमारे पूरे मानव जाति का दर्द अपने ऊपर किस तरह से उठाया। मेरे गुनाहों की ली तूने सजा चाबू की मार से, कुछ ना दिया मैंने कुछ ना दिया बदले में प्यार के, मेरे गुनाह की ली तूने सजा चाबू की मार से, कुछ ना दिया मैंने कुछ ना दिया बदले में प्यार के, ये क्या किया तूने क्यों ये किया, जान दे के तूने जीवन दिया, ये क्या किया तूने क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया, दर्द था मेरा जो तूने सहा चल के सलीब पे, कर्जा किया तूने मेरा अदा कांटों और कीलों से, कर्जा था मेरा जो तूने सहा चल के सलीब पे, कर्जा किया तूने मेरा अदा कांटों और कीलों से, फिर भी ना कम हुआ प्यार तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया, फिर भी ना कम हुआ प्यार तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया, मरते हुए माफ करते गया जुल्म सितम मेरे, मेरे लिए तूने खाई सदा
दुनिया की ठोकरे। मरते हुए माफ करते गया जुल्मा सितम मेरे, मेरे लिए तूने खाई सजा दुनिया की ठोकरे। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ले तूने सजा चाबूक की मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ले तूने सजा चाबूक की मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर एक साधारण मानव रूप धारण किया, हमारे आपके पापों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया, हमें मौत के मुंह से बचाया। उसने हमारे जीवन में बड़ा हस्तक्षेप किया, उसने हमारे दुखित जीवन को आनंदित किया, उसने हमारे दिल में सुकून दिया, उसने हमारे जीवन को आनंदित किया। जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया, उस महान अद्भुत अगम्य परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। संभव है जिसको तो घुटने पर आ जाइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना पूरा ध्यान उस महान परमेश्वर की ओर लगाइए। भूल जाइए अपने बीमारी को, भूल जाइए अपने तनाव भरे जीवन को, क्योंकि आपके दुखों से निकालने की सामर्थ्य रखने वाला वो परमेश्वर है। अपना दिल उसके साथ एकत्र कीजिए, एक कीजिए, क्योंकि वह राजाओं का राजा धीराज है, वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है, पुनरुत्थान और जीवन वही है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी, पृथ्वी उसकी महिमा गाती, आसमान सिर झुकाकर उसका चरण चूमता है। वो अद्भुत परमेश्वर, प्रकाश से भरा हुआ परमेश्वर, जिसने हमारे जीवन को अद्भुत सांद्य स्वर्ग से भरा हुआ आनंदित जीवन दिया, हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी उपासना करेंगे। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर, करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर, करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हाले
हालेलुया आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो मिलकर हम गाए हालेलुया हालेलुया मेरे प्यारे भाई और बहनों देखिए उस प्रभु का प्यार कंधों पर क्रूस का भार लेकर पथरीली भूमि पर चलता गया कांटों भरे राह पर और कलवरी के पहाड़ पर चलता गया कोड़ों की मार खाते हुए उसे दो चोरों के बीच में टांग दिया गया लेकिन मौत उसके ऊपर अपनी सत्ता न चला सकी क्योंकि वो परमेश्वर से निकला हुआ परमेश्वर प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश वो अद्भुत तरीके से मृतकों में से तीसरे दिन वो अद्भुत महिमा के साथ जीवित हो गया और जीवित होने के बाद 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ रहा स्वर्ग के भेद को सुनाता रहा और स्वर्ग में उनके सामने जाने से पहले वादा किया मैं तुम्हारे लिए एक पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक और सहायक आएगा अर्थात पवित्र आत्मा 50 और उनके बाद प्रभु स्वर्ग में चला गया और उसके 50वें दिन जब चेले भयभीत होकर के प्रार्थना कर रहे थे बंद कमरे में एक आंधी की सनसनाहट आसमान से चली और जहाँ बैठे थे उनका वो जगह भर गया गूंज गया और पवित्र आत्मा फटती हुई अग्नि के समान हर एक के ऊपर आकर के ठहर गई वो रोशनी वो आग पवित्र आत्मा की थी और सब पवित्र आत्मा से भर गए वही पवित्र आत्मा आज भी आने के लिए उत्सुक है अपने हाथ को ऊंचा उठाइए और अपने दिल का दरवाजा खोलकर पुकारिए आ पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा हमें तेरी जरूरत है भर दे तेरे सामर्थ से भर दे तेरी रोशनी से भर दे तेरे अनुग्रह से भर दे तेरे प्यार से आ पवित्र आत्मा 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 पावन आत्मा ओ भर दो मुझ में दया तेरी पावन आत्मा ओ भर दो मुझ में दया तेरी दया तेरी पावन आत्मा ओ भर दो मुझ में कृपा तेरी पावन आत्मा ओ भर दो मुझ में कृपा तेरी
कृपा तेरी पावन आत्मा ओ भर दो मुझ में शांति तेरे पावन आत्मा ओ भर दो मुझ में शांति तेरी पावन आत्मा ओ भर दो मुझ में प्रेम तेरा पावन आत्मा ओ भर दो मुझ में हालेलुया ऊंची आवाज में हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। हम बाइबिल में से पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 17 से लेकर आगे। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 17 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था, जहाँ कहीं वहाँ उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुँह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों,
मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारे सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गुंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु इंसान के रूप में धरती पर था और वो अपने बहुत सारे अद्भुत कामों को और चिन्हों को दिखा रहा था, तब की ये घटना है। जब प्रभु यीशु इसराइल देश में इंसान के रूप में था, तब उसके द्वारा अनगिनत अद्भुत काम हो रहे थे जो लोगों ने कभी अपने आँखों से नहीं देखे थे, जिनकी चर्चा कभी लोगों ने सुनी नहीं थी। ऐसे काम प्रभु यीशु के द्वारा हो रहे थे। प्रभु बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा था, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहा था। उनमें से कई अद्भुत काम बाइबल में लिखे गए हैं। यहाँ पर हम और एक ऐसा ही एक अद्भुत काम पढ़ते हैं कि एक बार एक मनुष्य ने अपने बेटे को प्रभु यीशु के पास लाया। उसका बेटा ऐसी हालत में था कि उसे अशुद्ध आत्मा ने, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था। बचपन से ही उसके बेटे को ये अशुद्ध आत्मा की परेशानी हो चुकी थी और ये अशुद्ध आत्मा ने उसके बेटे की बहुत बुरी हालत बना दी थी। उसके बाप ने लिखा है कि उसके मुंह से फेन निकलता है, वो अपने दांतों को पीसता है और सूखते जाता है। इसका मतलब ये है कि उस दुष्ट आत्मा ने उस लड़के की बहुत बुरी हालत बना दी थी और ये लड़के का बाप अपने बेटे को लेकर प्रभु यीशु के पास आया। पर जब भी वो शुरू में आया था, तभी प्रभु वहाँ पर नहीं था क्योंकि वो अपने 3 चेलों के साथ पहाड़ पर चला गया था और दूसरे चेले थे, उन्होंने कोशिश किया इस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, पर उनसे ये काम नहीं हो पाया। जब भी लोग वहाँ पर भीड़ कर रहे थे और प्रभु यीशु के चेलों के साथ उनका बहस चल रहा था, उतने में प्रभु यीशु वहाँ पर आ पहुँचा। प्रभु ने देखा कि लोग मेरे चेलों के साथ बहस कर रहे हैं। प्रभु ने पूछा कि ये क्या चल रहा है। तभी भीड़ में से एक मनुष्य ने ऐसा उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं मेरे लड़के को तुम्हारे पास लेकर आया हूँ क्योंकि इसे दुष्टात्मा की परेशानी हो चुकी है। दुष्टात्मा इसे बहुत सता रही है और इसकी ऐसी ऐसी बुरी हालत हो चुकी है। और आगे ये मनुष्य का, ये बेटे का बाप प्रभु यीशु को ऐसा कहता है कि यदि तू कुछ कर सके तो हमारी सहायता कर, मुझ पर दया कर। इसके पहले ऐसा हो गया कि उस बेटे के बाप ने प्रभु यीशु को ऐसा कहा कि इसे चंगा करने के लिए, इस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए मैंने तुम्हारे चेलों के पास लाया, पर तुम्हारे चेले इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। तभी प्रभु यीशु ने कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा,
कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लेकर आओ, वो लड़के को मेरे पास लाओ। और जैसे ही प्रभु यीशु के सामने उस लड़के को लाया गया, उस दुष्टात्मा ने देखा प्रभु यीशु को, और ऐसा हो गया कि उसमें से वो दुष्टात्मा चिल्लाने लगी और उसको मरोड़कर जमीन पर गिरा दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के चेलों के पास पहले ही इस लड़के को लाया गया था। चेलों ने बहुत कोशिश की थी, पर चेले उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु वहाँ पर नहीं था, और साथ ही साथ उसके तीन चेले जो प्रमुख चेले थे वे भी नहीं थे। तब तक ये सब माहौल बन चुका था कि बाकी चेले कोशिश कर रहे हैं पर उनसे नहीं हो रहा है, वो दुष्टात्मा को निकालने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। और बाकी लोग जो अविश्वासी थे, शक लेते थे प्रभु यीशु के सामर्थ्य के ऊपर, वे चेलों के साथ बहस करने लगे। उस पिता ने इस बात को देखा था और इसलिए उसने प्रभु यीशु से ऐसे कहा कि यदि तू कुछ कर सके तो दया करना। ये बाप ने क्या देखा था कि प्रभु यीशु के चेले बहुत कोशिश कर रहे थे पर ये मेरे बेटे को दुष्टात्मा से छुटकारा नहीं दे पाई, और इसीलिए उसने प्रभु यीशु से भी ऐसे कहा कि यदि तू कुछ कर सके तो हम पर दया कर, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। और तुरंत प्रभु यीशु ने कहा कि तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उस बालक में से दुष्टात्मा ने जब यीशु को देखा, उसको मरोड़कर जमीन पर गिरा दिया, दुष्टात्मा उसमें से निकल गई। और जैसे ही वो दुष्टात्मा निकल गई, ये बालक की, उस लड़के की हालत ऐसी हो गई कि एकदम मरा हुआ सा वो जमीन पर गिर गया। मरी हुई हालत की तरह वो जमीन पर गिरा हुआ था। बाइबिल कहते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसा बोले भी कि लड़का मर चुका है, पर प्रभु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो अच्छा हो गया, चलने फिरने लगा, बोलने लगा, दुष्टात्मा उसमें से निकल गई और ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस घटना में हम देखते हैं कि पहले उस लड़के के बाप ने प्रभु यीशु के चेलों के पास लड़के को लाया, चेले नहीं निकाल पाए। बाद में उस लड़के के बाप ने भी शुरू में प्रभु यीशु के ऊपर अविश्वास दिखाया, क्योंकि उसने ये देखा था कि उसके चेले ने बहुत कोशिश किया है, चेलों ने बहुत कोशिश करने के बावजूद ये इस दुष्टात्मा को इसमें से नहीं निकाल पाए। इसीलिए पता नहीं क्या इनका गुरु भी ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और इसीलिए उसने कहा कि यदि हो सके तो मुझ पर दया करना, हमारी सहायता करना। और प्रभु के शब्द थे कि हो सके तो, तू क्या कर सकता है तो ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लड़के के बाप ने अपने दिल से अविश्वास को हटा दिया, उसने प्रभु से कहा कि मेरा विश्वास है, मेरे अविश्वास को दूर कर दे। और फिर उसका विश्वास देखकर प्रभु ने उसके बेटे के लिए अद्भुत काम किया, उसमें से दुष्टात्मा निकल गई। पर ये जो अविश्वास की बात है, मनुष्य के दिल के कठोरता की बात है, वो आज तक दुनिया में चलते आ रही है। जब प्रभु यीशु इंसान के रूप में धरती पर था, अनगिनत अद्भुत काम कर रहा था, अनगिनत चिन्ह और चमत्कार कर रहा था, ऐसे होते हुए भी कितने सारे लोग उसके ऊपर अविश्वास दिखा रहे थे। बाइबल में ऐसी घटना लिखी है कि जब प्रभु यीशु अपने खुद के गांव में गया था, नासरी गांव में, जहां प्रभु यीशु बचपन से रहता था, जहां पर उसके माँ बाप रहते थे, भाई बहन रहते थे, जहां प्रभु का घर था, वहां उस गांव में जब भी प्रभु गया, तभी वहां पर वो बड़े अद्भुत काम नहीं कर पाया। जैसे कि बड़े अद्भुत काम उसने बाहर के गांव में या नगरों में किए थे, वैसे अद्भुत काम अपने खुद के गाँव में, नासरी गाँव में वो नहीं कर पाया। एक ही वजह, वहां के लोगों के अविश्वास के कारण। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम देख रहे हैं दिन ही दिन दुनिया की हालत कठिन बनते जा रही है, दुनिया का माहौल बहुत खराब होते जा रहा है। और ऐसे हालत में, ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर जिंदा है,
क्या सचमुच परमेश्वर हमसे प्यार करता है? क्या सचमुच परमेश्वर हमें अच्छा कर सकता है? क्या सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन के परेशानी को निकाल सकता है? क्या सचमुच परमेश्वर हमें आशीषित कर सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के बारे में लोगों के दिल में अविश्वास पैदा हो रहा है, अविश्वास बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर के लिए लोगों के दिल कठिन होते जा रहे हैं। जब भी प्रभु यीशु धरती पर था तभी भी लोगों में अविश्वास था, और आज तो ये अविश्वास बड़े पैमाने में बढ़ चुका है। यहाँ पर प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। बाइबल की सबसे पहले किताब हमें कहती है कि परमेश्वर ने बोला और उसके शब्द से पूरे विश्व की रचना हो गई। वो बोलते गया, आसमान में ज्योति तैयार हो जाए, और उसके बोलने से सूरज बन गया, चांद तारे बन गए उसके बोलने से। वो बस बोलते गया, और जैसे जैसे वो बोलते गया वैसे वैसे सारी चीजों की सृष्टि होते गई। पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारा सामर्थ्य उसके पास है, सारा अधिकार उसके पास है, इसीलिए उसके लिए हर चीज संभव है, असंभव उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, बल्कि ऐसा कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, पर यदि आपके दिल में उसके लिए विश्वास नहीं है, यदि आपका दिल अविश्वास से भरा है, यदि आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, आपके दिल में उसके बारे में शक है, तो वो आपके जीवन में नहीं काम करेगा। आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज जो दुनिया की बुरी हालत हो गई है, इसकी एकमात्र वजह है कि लोग परमेश्वर के ऊपर सच्चे दिल से विश्वास नहीं करते हैं। सच्चे दिल से सच्चा विश्वास है कहाँ? कितने सारे लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार या अपने अपने विचारों के अनुसार परमेश्वर को खुश करने का प्रयास करते हैं, पर जो सच्चा विश्वास बाइबल में कहा गया है जो परमेश्वर के ऊपर हर मनुष्य को करना चाहिए, वो सही विश्वास, सच्चा विश्वास आज दुनिया में नजर नहीं आ रहा है। और परमेश्वर के लिए जो अविश्वास है, इसीलिए दुनिया की बुरी हालत बनती जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कठिन दिनों में, माहौल कठिन बनते जा रहा है, और ऐसी हालत में भी दुनिया परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी हालत में भी दुनिया परमेश्वर को शरण आने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी लोग अपने दिमाग के भरोसे बैठे हैं, अभी भी लोग अपने ताकत के भरोसे बैठे हैं, अभी भी लोगों को भरोसा है कि हम अपने दिमाग से, अपनी ताकत से कुछ भी कर सकते हैं। आज भी परमेश्वर के ऊपर लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के लिए सही विश्वास न होने के कारण आज हम दुनिया का माहौल देख रहे हैं। और प्रभु यीशु ने तो पहले ही बता कर रखा था कि जब भी वो दोबारा धरती पर आएगा तब क्या वो धरती पर विश्वास पाएगा। इसका मतलब ये है कि अंत के दिनों में एक चीज़ बहुत बढ़ने वाली है, और वो ये है कि परमेश्वर के लिए अविश्वास। हम जगह जगह बीमारी देखते हैं, जगह जगह आंसू देखते हैं, जगह जगह परेशानी देखते हैं, पर ये सब क्यों चल रहा है? प्रभु यीशु कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आपका परमेश्वर के लिए विश्वास, परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, तो वह आपको ठीक करना चाहता है, वह आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, वह आपको शांति देना चाहता है, वह आपको आशीषित करना चाहता है, वह आपको जीवन में सफल करना चाहता है। उसके लिए तो सब कुछ संभव है, पर क्या आपके दिल में उसके लिए एक सही विश्वास है? हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं कि जिस औरत को 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसने प्रभु पर विश्वास किया।
क्या विश्वास किया कि मैं इसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये था उसका विश्वास और इसी विश्वास से वो भीड़ में गई, उसने प्रभु के कपड़े को छुआ और जैसे ही उसका हाथ का छूना प्रभु के कपड़े को हो गया, एक पल में प्रभु के शरीर से सामर्थ्य निकलकर उसे परमेश्वर का स्पर्श हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि उसकी बीमारी निकल गई है, उसका लहू बहना बंद हो गया है। क्या किया उसने? बस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसने एक ही चीज की विश्वास किया, मैं यदि इसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चाई में परमेश्वर ने मनुष्य को एक बहुत अच्छी जिंदगी दी है और ये जिंदगी आसान भी है। कितने सारे लोग ये जिंदगी को कठिन समझ के बैठे हैं, ये कठिन जिंदगी नहीं है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर कोई कठिन बोझ नहीं दिया है। यदि आपको आपके जीवन का बोझ बहुत भारी लग रहा है और कठिन लग रहा है तो ये समझ लेना कि ये भारी बोझ आपने ही बना दिया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया है। आपका जीवन एक भारी बोझ बना है तो उसको भारी आपने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया है। यदि आपकी जिंदगी के रास्ते बहुत कठिन बन चुके हैं तो उस कठिन रास्तों को आपने ही बना दिया है, परमेश्वर ने वे कठिन रास्ते नहीं बनाए हैं। परमेश्वर ने इंसान को एक अच्छे उद्देश्य से बनाया है, परमेश्वर ने इंसान को एक अच्छे उद्देश्य से धरती पर भेजा है। वो प्यार करता है, वो आशीषित करता है, वो इंसान के ऊपर अनुग्रह दया करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और जितने विश्वास से उसके पास आते हैं, जितने विश्वास से उसको पुकारते हैं, सचमुच उनके जीवन के रास्ते आसान बन जाते हैं, उनका जीवन आसान बन जाता है, उनका बोझ हल्का हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कठिन जिंदगी नहीं दी है बल्कि आसान जिंदगी दी है। उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ नहीं दिया है, बहुत हल्का बोझ दिया है। हम ही अविश्वास के कारण अपनी जिंदगी को कठिन बनाकर बैठे हैं। हम ही परमेश्वर के बारे में जो अविश्वास है, इस अविश्वास के कारण अपने जिंदगी को एक बड़ा बोझ बनाकर बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर कितना भला है इसका अनुभव करके देखो। जब आप उसके पास आएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तब आप जान जाएंगे कि वो कितना भला है। आज लोग परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के प्यार और सामर्थ्य के बारे में अनजान है। वो उसके नज़दीक आना भी नहीं चाहते हैं और उसका अनुभव करना भी नहीं चाहते हैं। वो उसके ओर देखना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके दिमाग के ऊपर और उनकी ताकत के ऊपर, उनका पैसा संपत्ति के ऊपर उनका इतना भरोसा है कि परमेश्वर पर भरोसा करना उन्हें मूर्खपन लगता है। आज के घड़ी भी, आज दुनिया में इतना कठिन माहौल चल रहा है तो भी आज के घड़ी भी कितने सारे लोग परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसके विपरीत जो लोग परमेश्वर की ओर मुड़ चुके हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक सच्चाई का धर्मी जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दुनिया हंस रही है। कहाँ है परमेश्वर? क्या करता है वो? प्रार्थना करने से क्या मिलता है? क्या प्रार्थना करने से वो हमें ठीक करता है? यदि परमेश्वर जिंदा है तो वो हमें बीमारी क्यों देता है? यदि परमेश्वर जिंदा है तो वो भूकंप क्यों होने देता है? यदि परमेश्वर जिंदा है तो वो तूफान को क्यों आने देता है? यदि परमेश्वर जिंदा है तो इतनी सारी महामारी क्यों फैल रही है? यदि परमेश्वर जिंदा है तो दुनिया की बुरी हालत क्यों बन चुकी है? लोग सवाल कर रहे हैं, शक ले रहे, हंस रहे हैं और अपने दिमाग पर, अपनी ताकत पर निर्भर रह रहे हैं। हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। वो क्या दे सकता है? वो क्या कर सकता है? अपने दिमाग पर, अपनी ताकत पर लोग निर्भर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो प्यार करने वाला बाप है और वो हमारे जीवन में सारी बातों को आसान बनाने के लिए तैयार है। वो हमारे जीवन को बहुतायत से आशीषित करने के लिए तैयार है, पर हमें एक बात की ज़रूरत है कि हमें दिल से उस पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूँ? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँ?
मैं समझती हूँ कि आज भी परमेश्वर आसमान से लोगों को यही बोल रहा है, दुनिया के सारे लोगों को वो बोल रहा है, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूँ, कब तक राह देखूँ, कब तक इंतज़ार करूँ, कब तुम्हें एहसास हो जाएगा, कब तुम्हें मेरे प्यार के बारे में, मेरी दया के बारे में एहसास हो जाएगा, कब अपना गलत रास्ता छोड़ दोगे, कब अपना पापी रास्ता छोड़ दोगे, कब मेरी ओर मुड़ोगे। प्रभु यीशु ने कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूँ। अविश्वास ऐसा एक भयानक पाप है जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें धरती पर भेजा, जो हमें जिंदा रखता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसके ऊपर ही हम अविश्वास दिखाते हैं। सच्चाई में दुनिया इतनी बुरी हो चुकी है कि परमेश्वर ने आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरानी चाहिए थी। आप समझ लो, जब कोई आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, तभी आपको क्या लगता है, मन में कितनी नफरत पैदा होती है, और ऐसा लगता है कि इसके साथ ये हो जाए, इसका ये बुरा हो जाए, उसका वो बुरा हो जाए। कोई आपको सताते हैं या आपके दिल को दुख देते हैं, तब आपके दिल में कितनी बड़ी नफरत पैदा होती है। पूरी दुनिया परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव कर रही है, उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, उस पर मुड़ने, उसके पास मुड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो भी परमेश्वर आसमान से बारिश भेज रहा है। तो भी पर मुझे मालूम है कि ये जो बारिश परमेश्वर भेज रहा है, इस बारिश के द्वारा परमेश्वर अपने प्यार को प्रकट कर रहा है, पर साथ ही साथ वो ये भी बता रहा है, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा, कब तक मैं इंतजार करूंगा, कब तक मैं देखते रहूंगा कि तुम अपना पापी रास्ता छोड़ दोगे, कब तक मैं तुम्हारी सहते रहूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर असीमित प्यार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका दिल परमेश्वर के लिए कड़क बन गया है। लोग कहते हैं ये तो बारिश का आना अपने आप होता है, ये निसर्ग की सृष्टि की रचना होती है, उस रचना के अनुसार ये अपने आप होता है। नहीं, ना दुनिया की रचना अपने आप हो गई है, ना दुनिया अपने आप चल रही है। इस दुनिया को बनाने वाला है और दुनिया को चलाने वाला है, उसी को तो हम परमेश्वर कहते हैं। यदि उसने ठहराया, यदि उसने तय किया, तो वो एक पल में दुनिया को खत्म कर सकता है। आज दुनिया में जो भी पाप बढ़ रहा है, जो भी नफरत बढ़ रही है, लोग कैसे एक दूसरे से नफरत करते हैं, कैसे एक दूसरे को फंसाते हैं, कैसा गलत काम करते हैं, कितनी गंदगी, अधर्म, पाप दुनिया में बढ़ रहा है, तो भी परमेश्वर कितने धीरे से सारी बातों को सहन कर रहा है और अपने प्यार को दिखा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया के अंत के दिन है। परमेश्वर ने आपको, मुझे और दुनिया के हर मनुष्य को दिया हुआ आखिरी मौका है। हमें उसके ओर मुड़ना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। जितने उस पर विश्वास करेंगे, उनका जीवन आसान हो जाएगा, उनका बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। करने वाला कौन है? करने वाला परमेश्वर है। हम तो दुर्बल इंसान है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस उस पर विश्वास करें। यदि हम विश्वास करेंगे, आगे की सारी बातें, आगे का सारा काम परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए तैयार है। वो हमें बस उसके ऊपर विश्वास करने के लिए कहता है। सच्चे दिल से, सही दिल से हमें उस पर विश्वास करना है। हमें अपने दिमाग पर निर्भर नहीं रहना है, अपनी बुद्धि पर या अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना है, हमें उस पर निर्भर रहना है। वो हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमें जिंदा रखने वाला परमेश्वर, यदि वो चाहे तो वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। उस पर पूरा विश्वास करो, दिल से विश्वास करो। यदि आप दिल से विश्वास करेंगे, तो आपका कठिन जीवन आसान बन जाएगा।
आपका बहुत भारी बोझ जो आपको जीवन में लग रहा है, ये बोझ एकदम हल्का बन जाएगा और आप खुशी से शांति से जिंदगी बिता सकते हैं। वरना जो अविश्वास में चलते रहेंगे उनके रास्ते और कठिन होते जाएंगे, उनका बोझ और कठिन होते जाएगा, क्योंकि वे अपने दिमाग और ताकत पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, पूरे दिल से विश्वास करो। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो हमारे पापों के लिए धरती पर आया था, हमें पापों से बचाने के लिए, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए और मरने के बाद स्वर्ग का अनंत जीवन देने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया है। हमारे पापों की सारी सजा उसने ली है, हमारे पापों का सारा दंड उसने लिया है। हमारे लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया है और उसका पवित्र लहू उसने हमारे लिए बहाया है। उस पर पूरे हृदय से विश्वास करो, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा मुक्तिदाता है। पूरे हृदय से उस पर विश्वास करो, प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में उसे ग्रहण करो और उसके पीछे पीछे चलते रहो, क्योंकि जितने इस महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसके पीछे पीछे चलते जाएंगे उन्हें पापों की क्षमा मिलेगी, वे शैतान के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उनके सारे रास्ते आसान बन जाएंगे। जीवन में मुसीबतें संकट तो ज़रूर आएंगे, पर ये सारे समय परमेश्वर उनके साथ रहेगा, उनको उसमें से बाहर निकालेगा। ये जीवन उनके लिए एक आसान जीवन बन जाएगा और यहां धरती पर आप खुशी से शांति से जीवन बिता सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल से अविश्वास निकाल दो, शक निकाल दो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्यार के लिए। आपके अंदर जो भी अविश्वास है, जो भी शक है, उसे निकाल दो। परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको धरती पर भेजा है और जिसकी वजह से आप अभी तक जिंदा है, उस पर पूरे दिल से विश्वास करो, पूरे दिल से। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो अभी हमने घटना पढ़ी है कि इस एक लड़के को दुष्टात्मा की तकलीफ थी, प्रभु यीशु ने इस दुष्टात्मा को निकाल दिया और ये लड़का अच्छा हो गया। बचपन से उसको ये परेशानी थी, प्रभु ने एक पल में उसे अच्छा कर दिया। ये जो अद्भुत काम प्रभु ने यहाँ पर किया है, ऐसे अद्भुत काम प्रभु आज भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बस उसी ज़माने में हुआ करते थे और आज नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज भी प्रभु कर रहा है, आज भी वो लोगों को चंगाई दे रहा है, आज भी लोगों को परेशानी से मुक्त कर रहा है, दुष्टात्मा से छुटकारा दे रहा है, आज भी लोगों के जीवन की असफलता को निकालकर लोगों को सफल बना रहा है, आज भी वो आशीषित कर रहा है। पर ये सारी बातों को आप एक ही रास्ते के द्वारा पा सकते हैं, विश्वास के द्वारा। यदि आपके दिल में विश्वास है, परमेश्वर के लिए सही विश्वास है, तो आप उसे पा सकते हैं। यदि आपके दिल में परमेश्वर के लिए सही विश्वास नहीं है, तो आप उसे कभी नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ से परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग आसानी से चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, आशीष पाते हैं, और दूसरी तरफ से परमेश्वर के ऊपर विश्वास न करने वाले, अपने ही दिमाग पर और अपने ही ताकत पर भरोसा करने वाले अपने बीमारी में, परेशानी में और गहराई में जाते रहते हैं। हमें चुनना है, हमें कौन सा रास्ता लेना है। परमेश्वर पर विश्वास करके उसके इच्छा के अनुसार चल के एक आसान जिंदगी जीना है, या अपने दिमाग पर, अपनी ताकत पर भरोसा करके उस दुष्ट शैतान के हाथ से दुख उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। पर ये मत भूलो, विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने प्रभु के कपड़े को छुआ विश्वास से। विश्वास की बात थी, मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी,
तो चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास की बात है। आप विश्वास के द्वारा चंगाई पा सकते हैं, विश्वास के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं, विश्वास के द्वारा आशीष पा सकते हैं और इसी विश्वास के द्वारा आप स्वर्ग का अनंत जीवन पा सकते हैं। जो विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा मुक्तिदाता है, उसने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान किया है, ऐसा जो विश्वास करते हैं और उसे दिल में ग्रहण करते हैं, वो इस विश्वास के द्वारा चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं और इसी विश्वास के कारण उनको अनंत जीवन में प्रवेश मिल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सारिका है। मेरे बेटी की गवाही है कि मेरे बेटे 2004 में जन्म हुआ था उसका, और तब से लेके वो 7-8-9 साल तक वो बीमारी रहती थी। हर एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि बिना दवाई का उसका, हर एक दिन दिन में 3 बार उसको दवा देना पड़ता था। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि दवा बिगड़ो रहती नहीं थी। बीमार रहती थी यानी क्या होता था उसे? मतलब उसको कफ होता था, पेट में उसका उड़ता था, ऐसा जैसे दिल उड़ता ना ऐसा पेट फूकता था, उड़ता था उसको। और उसको महीने में 2 बार वॉर्मिट होती थी, 2 बार हैंडमिट होती थी। तकलीफ कब से थी उसको? 2004 से बोन हुई, जन्म हुई तब से लेके 9-10 साल तक उसको वही तकलीफ थी। मतलब जन्म से ही लेकर के जब तक वो 9-10 साल की हो गई तब तक उसको तकलीफ थी? हाँ, पूरा बहुत सारे हम लोग ने इधर उधर गए लेकिन कुछ भी उसका ये हुआ नहीं। बाद में फिर हम लोग को प्रभु के बारे में मालूम पड़ा तो हम लोग इधर आए संडे के दिन, और संडे के दिन हम लोग ने शाम को प्रार्थना लेके शाम को घर गए। और उसके एक दिन पहले हम लोग हर हफ्ते में 1000 रुपये का दवा लगता था उसको, हर सप्ताह में, हर हफ्ते में, हर सप्ताह में उसको 1000 का दवा ही लगता था। और उस दिन हम लोग सैटरडे को दवा लेके आए और संडे को हम प्रार्थना के लिए आए, पहली बार आए। और पहली बार फिर हम लोग ने प्रार्थना किया और हमने वचन सुना। फिर घर जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने घुटना टेक कर प्रार्थना किया कि बेटी मैं तेरे हाथ में देती हूँ, बेटा जीना मरना मैं तेरे हाथ में देती हूँ। की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। हाँ, बहुत, मतलब कि खाना था ही नहीं उसके खाया, इसका मतलब होता पूरा दवाई, पूरा मतलब कुछ भी खाना नहीं उसको खाया, दवाई पे ही चलती थी वो। दवाई फिर दवा नहीं रहती तो उसको चलता ही नहीं था पूरा, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, चलना उठना वगैरह, पढ़ाई करना, ये सब कुछ, खेलना। उसका मन भी मतलब दवाई खा कर के भी थोड़ा सा मन, मतलब ये मन जैसे होता था पूरा दवाई दवाई, मतलब दवाई उसका जीवन ऐसा हो गया था पूरा उसका पूरा। बाहर प्रभु में आए संडे के दिन, उस दिन हम प्रार्थना किया और घर में आ गए। घर में आके हम लोग ने वचन सुना अच्छी से, अरे वचन के द्वारा हम लोग को ये वचन जो प्रधान ने दिया था वचन हम धारण करते, विश्वास के वचन बोल रहे थे। और मैं अपने बेटी में डालते हूँ, मैंने बोली कि प्रभु यीशु मैं मेरे बेटी खुशी को मैं तेरे हाथ में देती हूँ, अभी उसका जन्ना या मरना मैं तेरे हाथ में देती हूँ, मैं उसमें से एक भी दवाई देती नहीं है, उसके आगे का जीवन मैं तेरे हाथ में देती हूँ। तो मतलब 2012 में हम लोग प्रभु में आए थे। तो इसके दूसरे दिन फिर हम लोग ने देखा कुछ होता है कि उसको क्या मतलब, तो कुछ भी मतलब हुआ ना, पेट में दर्द ना कुछ खांसी कर, कुछ भी हुआ नहीं था, मतलब कुछ भी हुआ नहीं। जब से लेके अभी वो 18 साल की हो गई है, तो कुछ भी वो तकलीफ नहीं है, अच्छे से खा पी के प्रभु ने इसको एक नया जीवन दिया है। मतलब 18 साल की आपकी बेटी हो गई है, अभी 7-8 सालों में इसको कोई तकलीफ नहीं? नहीं, उसका मतलब था कि नए रहने के लिए भी असर था उसकी, रहेगी नहीं, मतलब जिंदा रहेगी कि नहीं उसकी कोई आशा नहीं थी? आशा बिल्कुल नहीं था उसका, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमने इतना विश्वास किया कि अभी वो पढ़ाई वगैरह सब करती है। हाँ, पढ़ाई सब करती है अभी। और बेटे की क्या गवाही है? बेटा का ना नाक हमेशा बंद होता था, सांस लेने की तकलीफ होती थी पूरा। तो हम लोग ने प्रार्थना किया, ब्रदर भी थे अपने प्रश्न बता, उन्होंने भी प्रार्थना किया, तब से लेके आज तो उसका नाक कुछ बंद हो रहा नहीं है। और उसको कुछ थोड़ा सा पढ़ाई में कमी ऐसा बोल रहे थे, लेकिन इतना नंबर 1 पर वो पढ़ाई करे प्रभु के नाम से। प्रभु ने दोनों मेरे बच्चों पर इतना अनुग्रह किया कि उनके नाम से बहुत ऊंचाई पर चलते मेरे बेटे दोनों बच्चे, इसलिए प्रभु का अनुग्रह कर रही हूँ। मेरे घर पर भी उनका बहुत आशीष है, इसलिए प्रभु को मैं प्रभु का बहुत बहुत मैं शुक्रिया करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपनी गवाही लोगों को बताइए। मेरी गवाही ऐसी है कि हमारे रिश्तेदार हैं, करीब 4-5 साल से ये हमसे बातें नहीं करते थे, चाहे कुछ भी मैं सामने से भी बोलूं कि हाँ भाई जय मसीह की, या हम प्रार्थना में आते थे सामने से भी मैं बोलता था तो कभी नहीं बोलते थे मुझसे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं सामने से बोल रहा हूँ फिर भी व्यक्ति मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो
फिर मैं धीरे धीरे इनसे बोलना बंद कर दिया, फिर भी पवित्र आत्मा ऐसा अंदर से होता कि मैं ही बातें करूं मैं। फिर कभी कभी जाता था, फिर से सामने से बोलता था प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, कुछ भी नहीं देते थे। तो मैं प्रार्थना करा कि प्रभु जो भी हमारे बीच में मनमुटाव है वो ख़त्म हो जाए और ये बात करे, सामने से आकर मुझे बोले और मुझे ना बोलना पड़े ऐसा कुछ। और प्रभु का धन्यवाद कि आज से एक डेढ़ महीना पहले यह चमत्कार हुआ। परमेश्वर ने जीवन में ऐसे चमत्कार किए कि भाई ने रात को 12:30 बजे फ़ोन लगाकर मुझसे माफ़ी मांगी कि भाई जो कुछ भी हुआ मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मुझसे सामने से बात की है और वो मनमुटाव ख़त्म हुआ। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु ने इनके और आपके दिल को मतलब कि परिवर्तन कर दिया, जो मनमुटाव था कठोरता पूरी तरह से निकल गया। हाँ, पूरा तरह से निकल गया। भाई आप बताइए कि इनको यहाँ पर आने के बाद आपको जैसे चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता था देखने के बाद? हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा चिड़चिड़ा होता था कि नहीं बातें ही नहीं करूँगा, मुझे रिलेशन ही नहीं रखना है। ऐसा भी मेरा रिश्ता था ही क्या, ये शादी हो गया लेकिन मुझे नहीं रखना है। तो ऐसे भी मुझे बहुत लोग समझाए थे, प्रार्थना में आने वाले भाई लोग, कुछ ऐसे लोग भी समझाए थे, बैठ के मुझे समझाए थे कि अरे यार हो सकता है वो बंदा माफ़ी मांग के उसका पाप क्षमा किया हो, क्षमा हो गया रहेगा, तुम तो कम से कम तुम भी तो क्षमा करो, जब वो सामने से वो गलती किया उसको अफसोस हो रहा है या गलती किया वो सामने से पूछ रहा है तो तुम तो बात करो उससे, अभी वो चार जन के सामने बोल रहा है। तो मुझे पता नहीं कैसा ऐसा लगता था। इसके लिए मेरी वाइफ बहुत प्रेयर करती थी, बहुत प्रार्थना करती थी कि प्रभु ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब मुझे भी जब जब ये आते थे सामने तो मैं बोला ये बंदा नहीं, मुझे बात ही नहीं करना, नहीं इससे, नहीं इसके वाइफ से। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, गुस्सा तो इतना आता था कि पूछो मत आता था। प्रार्थना में कुछ बुरी आदत भी थी, मतलब गलत गलत वीडियो देखना, यहाँ आता था सुनता था लेकिन फिर घर पर जा करके ऐसा होता था अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है देखेंगे। अंदर से पवित्र आत्मा बात करता था नहीं बेटा मेरे बेटे मैं तुझे चुना हूँ, हे मेरे बच्चे मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, हे मेरे बेटे तेरे घर वाले तेरे सब लोग तुझे छोड़ेंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नहीं त्यागूंगा, नहीं बच्चे तू ऐसा मत कर, मैं तेरे तुझे तू ये सब छोड़, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा आशीष बना के रखा हूँ, तू ये सब वजह से तेरी रुकावट आ रही है। इसी आवाज़ आई, फिर वहाँ प्रार्थना चालू हो गया तो मुझे अंदर से आवाज़ आ गया पहले प्रार्थना अटेंड मत कर, पहले तू जाकर उससे बात कर। तो मैंने फ़ोन किया, रात को फ़ोन कर रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ काट दूँ, फिर फ़ोन किया, फ़ोन करके मैं बोला रोशन और क्या हालचाल है भाई, देखो ये सब रखने का नहीं दिल में, और जो भी मुझसे भी गलती हुई रहेगी मुझे क्षमा करना यार, ये सब अच्छा नहीं है। मुझे बहुत तेज़ अंदर से आवाज़ आया तो ये भाई ने भी बोले नहीं भैया कोई बात नहीं ऐसा कुछ नहीं है और चलो ठीक है सुबह बात करूंगा। फिर उस दिन से प्रभु ने ऐसा मन बदला कि हम सब जब भी मिलते हैं हंस के गले मिलते हैं हाथ मिलाते हैं अच्छे से रहते हैं, इसलिए प्रभु ने हमारे मन को बदला, इसलिए मैं प्रभु यीशु को बहुत प्रभु यीशु ने अद्भुत तरीके से इन दोनों जन के कठोरता को निकाला। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपका नाम बताइए। शिव कुमार सरोज। गवाही क्या है आपकी? गवाही मेरी नहीं, गवाही इनकी है जो है, ये 2 साल से जो है इनके बवासीर के ब्लड रास्ते से जा रहा था, संडास के रास्ते से मतलब बेल्ट जा रहा था, 2 साल से बंद नहीं हो रहा था। इन्होंने बहुत दवाई किया, बहुत डॉक्टरी बहुत चीज़ करके मतलब एकदम बेबस हो गए पर इन्हों राहत नहीं मिला। फिर मैंने जो है परमेश्वर के बारे में प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार इनको बताया और इन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और उनकी मानने के लिए इन्होंने धन्यवाद करते करते इनको चंगाई मिला। 2 हफ्ते में इनका सारा ब्लड बंद हो गया, अभी इनको चलने फिरने की शक्ति भी ताकत भी है। तो फिर इन्होंने बोले कि मुझे कहा कर मैं बोला चल के आपके चर्च में परमेश्वर के नाम से प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई स्तुति करते हुए आपको धन्यवाद मतलब उनको देना पड़ेगा और आप उनकी गवाही देना पड़ेगी, इसलिए मैंने आज इनको यहाँ पर लाया। आप बता रहे हैं कि ये आपके पड़ोसी हैं? जी हाँ, मेरे पड़ोसी है और इनको 2 साल से बवासीर की तकलीफ थी और ब्लड जाता था। जी हाँ बराबर। लेकिन आपने सुसमाचार सुनाया और घर पे बैठे प्रभु का नाम लेते गए, नाम लेते लेते प्रभु का अनुग्रह हो गया और तकलीफ निकल गई। बिल्कुल जी। और यहाँ पर ये पहली बार आए हैं? जी हाँ पहली बार मैंने। पिताजी ये बताए कि अब जब ये सुसमाचार आपको बताएं प्रभु यीशु का नाम बताएं और जब इन्होंने कहा कि आप यीशु का नाम लेकर के प्रभु यीशु का और धन्यवाद कीजिए, जब धन्यवाद करने लगे तो उसके बाद क्या हो गया? 2 हफ्ते के बाद मेरा फोन बंद हो गया। 2 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिक बंद हो गया और मैं एकदम आराम हूँ, थोड़ा तकलीफ है शरीर में। 2 साल से बवासीर की बीमारी थी, इलाज कराई लेकिन ठीक नहीं हुआ। 50 लाख का रुपया दवाई का दवाई किया हूँ। 50 लाख? मेरे बच्चे लोग भिखारी हो गए करते करते, हमको इतना देखो मेरी शरीर गल गई एकदम, लेकिन ब्लड नहीं रुका, मेरा सब दुख कट गया। प्रभु यीशु का नाम लेते गए ऑटोमेटिक घर पे ही, जो कि यीशु ने आपको चंगा कर दिया। पहली बार सकाम में आज आया हूँ। आज पहली बार आए हैं गवाही देने के लिए प्रभु की? अभी रोज आऊँगा। प्रभु यीशु ने बड़े अद्भुत तरीके से चंगाई दी। आप लोग जोरदार तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।
भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रताप कुशवाहा है, मैं बिरार से आया हूँ। अपनी गवाही बताइए। मेरा गवाही ऐसा है कि मैं बिरार में रहता हूँ, दहिसर में काम करता हूँ। तो एक दिन ट्रेन से जा रहा था 3 महीना पहले, तो दहिसर में उतरने के समय मैं ट्रेन से गिर गया, भीड़ ज़्यादा थी तो गिर गया, तो मेरा ये उंगली है ना, नाखून और पोर के बीच से टूट गई, तो मेरा नाखून है ना पूरा निकलने को हो गया। मैं सोचा अब ये उम्र में क्या अच्छा होएगा और ये सब बेकार हो जाएगा, नाखून तो नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन परिवार मीटिंग में सिस्टर को बताया, सिस्टर ने आशीष दिया और अभी 3 महीना पहले जो जख्म हुआ था सब ठीक हो गया है, नया नाखून भी आ गया है, अभी दोनों उंगली मेरा एक जैसा हो गया है। प्रभु ने इस हड्डी को जोड़ के मेरे आशीषित किया है, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बताइए कि ये वाला नाखून, ये कानी उंगली यहाँ से टूट गया था, यहाँ पे टूट गया, यहाँ से टूट गया था, तो मैं ये नाखून भी निकल गया था उस समय। वो नाखून पूरा नहीं निकला था, धीरे धीरे निकल गया। मैं लचा के देखता हूँ तो बीच से भी लचता था और यहाँ से भी लचता था, दोनों जगह से लच जाता था। प्रभु ने अभी ठीक कर दिया है, पूरा ठीक कर दिया है। और दूसरी गवाही ऐसी है कि मेरे कान के पीछे है ना फट गया था 1 साल पहले, तो प्रार्थना करता रहा, आशीषित तेल लगाता रहा, अभी ठीक हो गया है, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहन का नाम बिंद्रावती कनोजिया है। 20 सालों से इनके दोनों पैरों पे झुनझुनाहट महसूस होती थी और यह तकलीफ उनको रात को ही होती थी, उस वजह से वह ठीक से सो नहीं पाती थी। यह बहन प्रार्थना में आने लगी, प्रभु पर विश्वास करने लगी और प्रार्थना का तेल का इस्तेमाल करने लगी। प्रभु की दया इन पर हो गई। अभी 4 महीने हो गए हैं, इनकी ये तकलीफ निकल गई है, ये ठीक से सो पाती हैं। इसके अलावा 1 हफ्ता पहले खाना खाते समय इनके गले में कुछ फंस गया था, इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, प्रभु की दया से उनके गले में जो फंस गया था वो निकल गया। इसलिए आप तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो। बहन आप बताइए कि 20 सालों से आपके दोनों पैरों पे झुलझुलाहट होती थी। झुलझुलाहट, नींद ही नहीं लगता था मेरे के पूरा, जब ही सोने जाता था तभी नींद लगता ही नहीं था। मैं रात को ही ऐसे होता था, खाली रात को जब ही सोने के 11 बजे 10 बजे सोएगा तभी उभर जाता था। इतने सालों से आपको नींद नहीं आई ठीक से, 3 बजे बंद हो जाता, कैसा मालूम नहीं कब बंद हो जाता। मैं ऐसा इधर उधर मुड़ी पटक पटक के गोड़ पर तेल लगा लगा के मैं सो, कभी नींद लग जाता मेरे को मालूम। लेकिन अभी प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करने से 4 महीने से अभी ठीक से नींद आती है, एकदम मैं पूरा सोता है, अभी झुनझुनाहट नहीं होती है। नहीं, अभी प्रभु जी का धन्यवाद है कोटि कोटि। ये भाई का नाम विजय शिंदे है। ये बता दे कि गए 3 दिन से इनके पेट में दर्द हो रहा था और सीने में भी दर्द हो रहा था, उसी अवस्था में आज यहाँ पे प्रार्थना सभा में आए। प्रार्थना सभा में आए तो इनको ये तकलीफ हो रही थी, लेकिन सुबह जब आराधना के गाने चालू थे उस गाने के दौरान प्रभु यीशु का स्पर्श इनको हो गया और इनके पेट का दर्द और सीने का दर्द चला गया है। इसके अलावा 2 साल से इनकी कमर में बहुत तकलीफ थी, कमर दर्द हो रहा था और पैर के घुटनों में भी तकलीफ थी, उसके वजह से इनको बैठने में भी प्रॉब्लम होता था, समस्या हो गई थी। और आज जब प्रार्थना सभा में आए तो भी इनको ये दर्द हो रहा था और बता रहे कि अभी जब सिस्टर प्रवचन देने के लिए आई तो इन्होंने प्रवचन मन लगा के सुना और प्रवचन सुनने के बाद जब सिस्टर चंगाई की प्रार्थना ले रही थी, चंगाई की प्रार्थना के दौरान जब सिस्टर ने बताया कि आपके बीमार हिस्सों पर हाथ रखो, इन्होंने विश्वास से अपने सीने पर हाथ रखा। हाथ रखने के बाद प्रभु यीशु की महान दया इनके ओर हो गई और बता दे कि 2 साल का जो कमर का दर्द था, घुटनों का दर्द था, वो पूरे तरह प्रभु यीशु निकाल दिया है, प्रभु यीशु ने उनको चंगा कर दिया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहुत डोळे उघडा समोर बघा। तुम्हाला 2 वर्षापासून तुमची कंबर दुखायची, कंबर आणि टोंगळे। टोंगळे म्हणजे काय, गुडघे का? गुडघे, आपले गुडघे, गुडघे दुखायचे 2 वर्षापासून। म्हणजे तुम्हाला बसायला त्रास व्हायचा का? बसायला त्रास व्हायचं, कामात नाही त्रास व्हायचं। बसायला म्हणजे जेव्हा तुम्हाला अगोदर दुखत होतं तेव्हा तुम्ही कसे बसायचे दाखवा, पहिले कसे बसायचे? असं हात ठेवून असं हळूहळू बसायचे असं। आता डायरेक्ट बसतो मी असं। आता डायरेक्ट बसता? आता उठा डायरेक्ट। पहिले तुम्हाला उठता बसताना त्रास होत होता? त्रास व्हायचा पहिले, त्रास व्हायचा। जेव्हा सिस्टरने आजारमुक्तीची प्रार्थना घेतली आता तेव्हा तुम्ही विश्वासाने छातीवर हात ठेवला, त्यानंतर काय झालं? त्यानंतर पोट आणि छातीचं दुखणं ते दोन्ही बरे झाले। पहिले पोटाचं बरं झालं, शेवटच्या प्रार्थनेमध्ये हात ठेवायला सांगितलं तेव्हा हे दुखणं बंद झालंयचं। मी ते येऊन चेक करत होतो असं म्हणलं आता हे पण बरं झालं, हे सगळे झाले, हे कसं सुटणार? प्रभूचं आम्ही कोटी कोटी धन्यवाद देतो।
आणि माझ्या बहिणीला पण माझ्या बहिणीने घेऊन आला मला. ये भाई बता रहे हैं कि इनकी बहन ने इनको लेके आया, इसलिए अपनी बहन को धन्यवाद दे रहे हैं कि आज उनकी बहन भी आई है और दो साल का कमर का दर्द और पैर का दर्द घुटनों का दर्द प्रभु ने निकाल दिया है. और बता दे कि ये कभी सामर से गिरे नहीं, आज पहली बार है प्रभु ने इनको सामर से गिरा दिया है और चंगा कर दिया है. इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजा कर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. इस बहन का नाम सुवर्णा एडगे है. उनको और उनकी बेटी को गए 15 दिन से बुखार आ रहा था. उन्होंने विश्वास से प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, प्रभु की कृपा से दोनों ठीक हो गए हैं. वैसे उनकी बेटी को 15 दिन पहले एक सप्ताह से उसके पैर की उंगलियां सड़ जाती थी और उसमें से बहुत खून निकलता था, वो पैर जमीन पर रख नहीं पाती थी. उन्होंने प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करने से प्रभु की कृपा हो गई, उसके पैर पूरे तरह से ठीक हो गए हैं. इसलिए आप लोग तालियां बजा के प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. ताई ते समोर या, तू दाखो कुठे तुझे पाय होता. ये आप देख सकते हैं, ये उसका पहले का फोटो है जिसमें पैर से पूरी उंगलियां सड़ गई है और उसको बहुत तकलीफ होती थी. आता तुझे पाय दाखो, वर कर थोड़ा सा. अभी देखिए उसके पैर पूरी तरह से ठीक हो गए, जहाँ पे पहले फोड़ियां और जख्म हो गया था, प्रभु के अद्भुत चंगाई से वो ठीक हो गई है. इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. इस बहन का नाम वर्षा घुसे है. रविवार के दिन अचानक से इस बहन के सीने पर एक छोटी सी गांठ हो गई और उस वजह से उसका दाहिना हाथ तब से बहुत ज़्यादा दर्द करता था. लेकिन कल ये बहन घर पर अपने मोबाइल के ऊपर सिस्टर का प्रवचन देख रही थी और जब ही चंगाई की प्रार्थना लेने लगी उस समय पे घर पर ही हंसने का सामर्थ्य इस बहन पर उतरा. बहुत समय तक वो घर पर हंसती रही और ये बता रही है कि उसके बाद उसने जांच की तो उसकी वो गांठ नष्ट हो चुकी थी और हाथ का दर्द भी निकल गया था. प्रभु ने इस बहन को अद्भुत तरीके से चंगाई दी है. आप सब जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए. ये बहन बता रही है कि गए 10 सालों से इन्हें ऐसी समस्या थी कि ये कुछ भी अगर खाई तो इनको तुरंत गैस की परेशानी शुरू हो जाती थी, या ठंडा पानी भी पिया तो भी उनको परेशानी होती थी, दिक्कत आती थी. और इस वजह से जब उनकी परेशानी बढ़ जाती थी तब उनको एडमिट भी होना पड़ता था और इलाज कराने के बाद ही उनको राहत मिलता था. ये बहन यहाँ पर 2 महीने से सेवा में आती है और बता रही है कि जब से ये यहाँ पर सेवा में जुड़ी है तभी यहाँ पर जो भी कुछ मिलता है ये सब कुछ खाती है. घर जाने के बाद भी तीखा खट्टा पदार्थ या ठंडा पानी भी पीती है. उनको एक बार भी गैस की परेशानी हुई नहीं और उस वजह से उन्हें भर्ती नहीं होने पड़ा. प्रभु ने उनको चंगाई दी है. इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. आपका नाम बताइए. रीमा कनौजिया. और आपकी बेटी को क्या हुआ था? मेरी बेटी को एक दिन खेल रही थी, उसको गांठ हो गया तो बोलती दौड़ते भागते आई मम्मी मुझे देखो ये क्या हुआ है. तो मैं बोली क्या हुआ है, तो बोलती मम्मी गांठ हुआ है, मुझे दुखता है, बहुत दुखता है. और गांठ कितनी बड़ी थी? गांठ बहुत बड़ी थी. वो गांठ बड़ी थी तब मेरी दीदी ने बोली कुर्स ले गई है, फ़ोन की कि टेंशन मत ले, वो कुर्स जो है प्रार्थना करके गांठ के इधर लगा तेरी बेटी ठीक हो जाएगी. वो मतलब यहाँ से जो आप क्रूस लेकर गए थे विश्वास से, जहाँ पे गांठ हुई थी वहाँ पे आपने वो क्रूस लगाकर प्रार्थना की? हाँ, रात को प्रार्थना की, उसके बाद प्रार्थना की और क्रूस ने जो गांठ की इधर लगाई और सुबह उठ के देखी तो गांठ थी नहीं, पूरी नष्ट हो गई थी. पूरी तरह से नष्ट हो गई थी. पूरी तरह से नष्ट हो गई थी. इसीलिए उसके बाद मुझे भी इधर गांठ थी, मेरी गांठ इतनी बड़ी थी इधर 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 पूरा मतलब दुखती थी, मुझे भी इधर उधर झटकती थी. मुझे आपने विश्वास रखा कि आपकी बेटी को चंगाई मिली है तो प्रभु आपको भी ठीक करेगा. हाँ, मुझे विश्वास था. 2 दिन के बाद मैं बोली मेरी बेटी को ठीक हुआ है तो मुझे भी मेरा गांठ नष्ट हो जाएगा, प्रभु यीशु नष्ट कर देंगे. इसलिए मैं 2 दिन के बाद देखी मेरी भी गांठ थी नहीं. इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ. बेटी तुझे कहाँ पर गांठ हुई थी? यहाँ पर ऊपर कर, यहाँ पर गांठ थी. अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है? नहीं, अभी दर्द नहीं होता? नहीं होता. प्रभु ने ठीक किया है. हाँ. सभी जन जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. भाई आपका नाम बताइए. संजय पंडित. आपकी पत्नी की क्या गवाही है? मेरे पत्नी की गवाही है कि उसको बुखार लगता था, सर में दर्द रहता था, ऐसे परेशानी चल रहा था 15 दिन से.
तो फिर आया शुक्रवार के प्रभु के पास प्रार्थना किए है, यहाँ बिनती पेटी में लिख के डाले हैं। उसका बाद में फिर घर गया, घर में प्रार्थना किया रो रो के, तो उसका बाद में कुछ दिन बाद बोलते वो बुखार ठीक हो गया, मेरा माथा भी ठीक हो गया, सब कुछ सही हो गया। आपकी पत्नी कहाँ पे रहती है? गांव में। गांव यूपी में थी? बिहार। बिहार में थी। आप परसों के दिन गुड फ्राइडे के दिन यहाँ पे आए थे, उसके लिए प्रार्थना किए, उसके बाद प्रार्थना की प्रभु ने उत्तर दिया, दूसरे दिन ही मतलब उसको चंगाई प्राप्त हो। हाँ, उस दूसरे दिन उनको चंगाई प्राप्त हो गया। अभी वो ठीक है? अभी ठीक है। ये भाई का नाम चांददेव सरोज है। इनके बाएं हाथ के कलाई के ऊपर 8 महीना पहले गांठ आ गया था, जिससे बहुत परेशान थे। प्रभु से प्रार्थना करते गए, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किए। अब बता रहे हैं कि 3 महीने से वो गांठ पूरी तरह से नष्ट हो गई है, प्रभु यीशु ने इन्हें चंगा किया है। इसके अलावा बता रहे हैं कि कुछ महीनों से इनके भाई के बीच में अनबन हुआ और भाई नाराज हो गए थे, ये प्रभु से प्रार्थना करते गए, प्रभु मेरे भाई के मन को बदल और ये चीज़ समस्या लिख करके विनती पेटी में डालें। प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। अभी 15 दिन हो गया है, प्रभु ने इनके भाई के मन को बदल दिया है, अभी अच्छे से बात कर रहे हैं प्यार से, इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आप बता रहे थे कि 8 महीना यहाँ पर गिल्टी था, तो बदर का मिट्टी और तेल लगाते क्रूस बना के लगाते हुए तो मेरा गिल्टी गायब हो गया अपने आप से। कितना ऊंचा था जरा बताइए? ऊंचा था, 1 इंच ऊंचा था। उतना गिल्टी बहुत बड़ा था यहाँ पर सब। और प्रार्थना करते गए, माध्यम का इस्तेमाल किया, प्रभु की दया से अभी यहाँ पर ठीक है। अभी जरा दिखाइए सब लोगों को, अभी यहाँ पर नॉर्मल हो गया है? नहीं, अभी नॉर्मल हो गया पूरा एकदम। प्रभु ने वो गिल्टी को नष्ट किया प्रभु ने हमको, बहुत अच्छा। प्रभु यीशु ने बड़े अद्भुत तरीके से चंगाई दी। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम प्रमिला दोलोई है। वो करीबन 5 से 6 साल उनको खांसी आती थी और हमेशा आती थी। उन्होंने प्रार्थना में भाग लिया, 17 मार्च के दिन वो यहाँ प्रार्थना में आए थे और चंगाई की प्रार्थना में उनके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई। उस समय से उनका खांसी आना पूरी तरह से बंद हो गया है, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही है। बहन आपको खांसी बहुत ज़्यादा आती थी? हाँ, 1.5 साल से था। 1.5 साल, सॉरी 6 साल से था। 6 साल हिंदी नहीं आती है बोलने में, बराबर मैं बंगाली हूँ। बोलो अभी आप अच्छा बोल रहे हो। कितना 6 साल से आपको तकलीफ था? 6 साल से बहुत मैं दवा कराई थी लेकिन उसमें मेरा सही नहीं हुआ। जब से मैं 17 तारीख इधर से आई थी तभी से मेरा खांसी सही हो गया। तभी से खांसी आई नहीं आपको? नहीं आई है। हमेशा आता था खांसी? हाँ, हमेशा आती थी पहले। तभी से प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है? चंगा कर। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रितु भारती है। मेरा हो रहा था 1 महीने से जुलाब बहुत हो रहा था, उससे बहुत कमजोरी भी हो रहे थे। मतलब हमेशा जुलाब रहता था या बीच बीच में होता था? एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के बस हमेशा ही चालू ही रहता था, उससे वजह से बहुत कमजोरी मेरे को होते थे। अभी हो गया 15 दिन। मैं प्रभु का उपास शनिवार को पकड़ी थी, घर में मैं प्रार्थना की, मेरा वही दौरान सब अच्छा हो गया। प्रभु ने मेरे प्रभु की दया से अभी 15 दिन से जुलाब नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। और कमजोरी भी नहीं है? नहीं। ये भाई का नाम मधुकर पवार है। बता रहे हैं कि 6 महीने से इनके एसिडिटी का तकलीफ था। जब भी खाना खाते थे या कोई तीखा खट्टा मीठा या मसाला कुछ भी खाते थे, खाने के बाद इनको जलन होता था, गैस बनता था और बहुत तकलीफ होता था। 6 महीने से इसे चलता रहा और ये प्रार्थना में आते गए। बता रहे हैं कि जब प्रार्थना खत्म होने के बाद जब भाई बहन आशीर्वाद देते हैं, ये ब्रदर से आशीर्वाद लेते गए, प्रभु का महान अनुग्रह हुआ। अभी 3 महीने से इनकी वो गैस की और जलन की तकलीफ पूरी तरह से निकल गई है। कुछ भी खाते हैं अभी तकलीफ नहीं होती है, इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आप बता रहे कि 6 महीने से आप कुछ भी खा लेते थे तो आपको जलन होने लगता था और गैस बनता था पेट में। बराबर अचार खाओ या खाना खाओ कुछ भी खाओ एसिडिटी होता था हमारा, और खट्टा खट्टा पानी मतलब मुंह से आता है, जैसे लेकर आता था ऐसे मतलब ये होता था। तो इससे 6 महीने से चालू था, 3 महीने से मतलब ठीक हो गया। लेकिन भाई लोग इधर लाइन से अपना आशीर्वाद देते थे, उससे मैं आशीर्वाद लिया और तेल भी उसका समय ये किया, उससे मेरा बहुत मतलब ठीक, प्रभु यीशु ने ठीक कर दिया है। अभी ठीक है, कोई तकलीफ नहीं था, प्रभु ने अद्भुत तरीके से चंगाई थी। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।
ये भाई बता रहे हैं कि करीब डेढ़ महीने से ये जब भी कुछ सोचते थे, सोचने के दरमियान इनके मस्तक में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था और दिल बहुत बेचैन हो जाता था। जब सोचते थे तभी ऐसा होने लगता था, बहुत परेशान होते थे। ऐसा सिलसिला डेढ़ महीने से चलता रहा और बता रहे हैं कि गए हफ्ते शुक्रवार के दिन सुबह में जब स्तुति आराधना शुरू था, उस दरमियान ये प्रभु के सामर्थ्य में थे और प्रभु का अनुग्रह इनके ऊपर बना हुआ था। एक भाई के द्वारा इन्हें जब धक्का लगा, जमीन पर गिरे और सर के बगल ही गिरे, उठने के बाद इनको महसूस हुआ कि मेरे शरीर में से मतलब मुझे चंगाई मिला है। उसके बाद से ये कुछ सोचते हैं या कुछ भी होता है, मनन करते हैं, ना ही दर्द होता है, ना ही बेचैनी, ना ही घबराहट होता है। इसलिए आप लोग तालियाँ बजा कर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपका नाम बताइए। वीरेंद्र प्रसाद कनौजिया। गए सप्ताह में आपके और आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ? गए सप्ताह में हम लोग दोनों जन गाड़ी से जा रहा था दुकान पे, तो चौराहे पे मैं टर्न मार रहा था तो ब्रेक मारा तो गाड़ी गिर गया। गिरने के बाद इनको इधर मार लगा, तो मैं मालिश किया, फिर उसके बाद थोड़ा आराम हुआ तो हम लोग गया करते। प्रभु का धन्यवाद किया। आपने प्रार्थना की, उस समय प्रभु का नाम लिया, उनको थोड़ा आराम हुआ, घर जाने के बाद धीरे धीरे उनको ठीक होने लगी। हाँ, प्रभु ने बड़ी दुर्घटना से आपको बचा लगाया प्रभु का और ठीक हो गया। ठीक हो गया, अभी उनको वह सर में दर्द नहीं होता? नहीं, अभी प्रभु ने दुर्घटना से बचाया है। हाँ। बहन आपको ज़्यादा मार लगा था? इतना बड़ा फूक गया था, मैं जब गिरी तो मैं कहा आँख मेरा बंद हो गई, मतलब प्रभु क्या हो गया मेरे साथ में। फिर उठ के बैठ गई, धन से कोई लगा को बैठा दिया, देखी तो इतना बड़ा फूक गया। ये मालिश किए आलिया ने, कोई प्रभु ये क्या हो गया मेरे सर में। थोड़ा देर के बाद घर पे आई, गई खाना बनाने, मैडम लोग ने आपस कर दिया, बोल जाओ आप कपड़ा चेंज करो, पूरा कपड़ा ख़राब हो गया, मट्टी पानी लगा था, वो मैडम ने वो लोग भेज दिए। फिर आई इधर घर पर, तेल पानी लगाई सब, तुरंत हमके आराम हो गया, वो सूजन निकल गई। सूजन निकल गई, ये परसों के दिन आई प्रार्थना में, थोड़ा दर्द होता अभी एकदम दर्द नहीं है। परसों शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे के दिन आप प्रार्थना में आए थे तभी थोड़ा दर्द हो रहा था? दर्द हो रहा था, आज एकदम नहीं है, एकदम ठीक हो गया है। ये हाथ एकदम दर्द कर रहा था, आज ताली बजाने में हाथ पूरी ठीक हो गई। आज ठीक हो गया? ठीक हो गई एकदम। ऐसा आटा सान रही थी तो बहुत दर्द होता था, मतलब उस दिन जब आप गिरे थे तभी ये अंदर से मुक्का मार लग गया था, लगा था फूक गया था पूरा, ऐसा फूक गया था। लेकिन सब लोग बोला कैसे तुमको घाव नहीं लगा, अंदर मार लगा, हमको हमको प्रभु है मेरे साथ, मेरे प्रभु हमको बचाया, और कोई नहीं बचाया। और आज यहाँ ताली बजाते समय दर्द निकल गया? आज एकदम ठीक हो गई, एकदम अभी एकदम आराम है, प्रभु ने आपको चंगा किया है। और वैसे ये बहन बता रही है कि इनका बेटा बाहर देश के लिए नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, एक बार उन्होंने पैसा भी भरा लेकिन वो उनका काम हो नहीं रहा था और वो पैसा भी उनका फेल हो गया। तब इन्होंने विश्वास से कुछ महीना पहले यहाँ पर विनंती लिखकर चिट्ठी डाली, प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और इस बार उनका बेटा बाहर देश में काम के लिए चला गया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। मन करता यीशु गाता रहूं।
जोर जोर से तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का स्वागत करो। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है अभी। प्रभु का सामर्थ्य आपको छू रहा है अभी, इस क्षण प्रभु का सामर्थ्य आपको छू रहा है। धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। देखो उस महान प्रभु की ओर, वो आत्मा के रूप में यहाँ पर मौजूद है, वो आपके ऊपर देख रहा है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। अपनी आंखें बंद रखो, उस प्रभु को आत्मा से देखो, महसूस करो वो कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना प्यार से भरा हुआ है। आपके जिंदगी का हर एक दुख बीमारी उसके हाथ में सौंप दो। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, वो प्रभु आपको भूला नहीं है, वो आपकी परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है, उसको आपका ध्यान है। आपके जिंदगी के सारे दुख दर्द परेशानी प्रभु के हाथ में सौंप दो और अपना दिल खोलकर उसका धन्यवाद करते रहो उसके असीम प्रेम के लिए। उसने हम पर कितना प्रेम किया है कि हमारे खातिर वो इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे खातिर उसने क्रूस पर अपना समर्पण कर दिया। प्रभु ने उसके लहू के द्वारा हमें बचाया है। धन्यवाद करो। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, दिल की गहराई से कहो प्रभु तुसे धन्यवाद। तेरा प्रेम महान है, तेरी दया महान है, तेरी करुणा महान है। तूने मुझे बचाया, मुझे जीवन दिया, मुझे चंगा किया, मुझे क्षमा किया। तुसे धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो जाए। तालियां बजा कर प्रभु का धन्यवाद करो। उच्च आवाज में प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। और अभी प्रभु के सामने शांत होकर अपना हृदय खोलो। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है, उन सबों को क्षमा करो जिन्होंने आपको सताया, नुकसान किया, धोखा दिया, अपमान किया। उन सब लोगों की याद करो जिन्होंने आपको बड़ा दुख दिया है, उनके चेहरे आंखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करती हूँ। आपके मन में खुद के पति के लिए गुस्सा होगा, पत्नी के लिए गुस्सा होगा, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, बहू दामाद, घर के कोई भी लोग या पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, काम के यहाँ के साथी या और कोई लोग होंगे, सबको क्षमा करो। सारा गुस्सा और नफरत अपने अंदर से निकाल डालो। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर पिता हमें पापों की क्षमा नहीं देगा। सबको क्षमा करो।
और अभी अपने खुद के पाप प्रभु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, दूसरों को फंसाना, लूटना, अन्याय करना, अंधेर करना, कबूल करो, कबूल करो। मन के बुरे विचार, आंखों से जो गलत देखा, जबान से जो गलत बोला, किसी को गालियां दी, किसी की निंदा की, किसी का मजाक उड़ाया, हर पाप कबूल करो। बहनों, यदि आप अपने पति के अधीन नहीं रहती है, भाइयों, यदि आप अपने औरत से सच्चा प्रेम नहीं रखते हैं, आपने आपके बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं किया होगा। बच्चों, यदि आप माँ बाप की नहीं सुनते हैं, उनको उल्टा जवाब देते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, कबूल करो। शराब पीकर या किसी नशीले चीजों का सेवन करके आपने खुद का और परिवार का नुकसान किया होगा। जो पाप कबूल करते हैं, उन पर परमेश्वर दया करता है। इसलिए अपने पापों को छिपाना नहीं, कबूल करो और नम्रता से कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच, टच, टच। और अभी अपने पापों के लिए आज सुबह कर पश्चाताप करो। पापों के लिए रोने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। आज सुबह रो प्रभु के सामने, उससे कहो, हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मुझे दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मेरे पापों के लिए मुझे दुख हो रहा है। वो दिल को परखने वाला परमेश्वर है, वो आपके दिल की ओर देख रहा है। सच्चे हृदय से पश्चाताप करो। टच, टच, टच। और अभी अपने पापों की प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। अपनी आत्मा से प्रभु के क्रूस को देखो, क्रूस पर से बहने वाले उसके पवित्र लहू की धारा को देखो। अपने हाथों को उठाओ और उसे दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर, प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। पलता रहा तेरे
और अभी जहाँ आपको बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो। एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगा करेगा। जहाँ आपको बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जोड़ जाए। मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु की आशीष आए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और परिवार में से हर बीमारी परेशानी संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो जोर से। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा, शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यदि आज आप यीशु को ग्रहण करके आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। जिनका उद्धार हुआ है आपको ये प्रार्थना बोलने की ज़रूरत नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ,
मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।